नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके फैमिली में आपके माता पिता आपके परिजन बहुत ही सुखी होंगे। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी बहुत ही खुशहाल ढंग से रहें। तो दोस्तों, मैं संजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में, एक सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये जो सीरीज है यह बहुत ही कॉमन सी चीज है और लगभग बहुत लोग जानते होंगे, मतलब जानते ही हैं, और इसका यूज भी किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वह है सपने में पान देखना, पान खाते हुए देखना। इसकी विभिन्न कंडीशंस पर आज हम डिटेल में इससे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सपने हम एक से अधिक बार या बार बार देखते हैं, या सपना हमें कोई बार बार दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें उस सपने का कुछ न कुछ परिणाम देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ उसका रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, आपको उसका स्वप्न फल जरूर मिलेगा। खास करके यदि आप सपने को अगर अधिक बार देख रहे हैं या बार बार देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो सपने में पान खाना एक अच्छा सपना होता है, बहुत ही शुभ सपना होता है। खास करके अगर कोई जातक खुद को सपने में पान खाते हुए देखता है तो यह एक अच्छा सपना होता है। यह सपना उसको बताता है कि निकट भविष्य में उसको खुशखबरी प्राप्त होगी। यदि जातक कोई देखता है किसी और को पान खाते हुए तो यह भी एक अच्छा सपना है। यह सपना आपको बताता है कि आपको निकट भविष्य में आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपको किसी आपके शुभ चिंतक से मुलाकात हो सकती है जिसका आपने बहुत ही दिनों से आपने सोचा हुआ है। यदि आप सपने में देखते हैं कि आप पान के पत्ते देखते हैं, यहाँ वहां बहुत सारे पान के पत्ते रखे हुए हैं, तो यह भी एक अच्छा सपना होता है। यह एक पॉजिटिव ड्रीम होता है। यह सपना आपको बताता है कि आपका जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी आप सोच रहे हैं अपने लाइफ को, गोल को अचीव करने के लिए, उसमें आपको तरक्की होगी और आपको उसमें किसी न किसी का सहयोग मिलेगा। यदि आप सपने में देखते हैं कि खराब अवस्था में का पान देखते हैं, कुचला हुआ पान का पत्ता है, तो यह सपना आपको निगेटिव चीजों की ओर इशारा करता है। आपको बताता है कि आपको निगेटिव चीज से आपको बचना है और आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखनी है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, ताकि ऐसी रोचक जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए सपने की सीरीज में, तब तक के लिए जय माता।